नमस्कार मंत्यबेकु स्वागत कर लोकसभा पारित हो 127वां संविधान संशोधन बिल एवं राज्यगुड़ी को मिल सामाजिक एवं अर्थनैतिक दृष्टि पछुआ वर्ग जैसे एक विद्वान वकील विद्वान तर्कशास्त्री विषय को रखते हैं निश्चित रूप में भले ही कुछ विषय मन को ना लगे राजनीतिक पटु तो आएगी स्वाभाविक मैं भी दो शब्द कहूंगा जो विषय उठे हैं तो मेरे को उत्तर देना ही पड़ेगा और उस समय में भले ही एक दो विषय राजनीतिक टिक्का टिप्पणी सही ना लगे लेकिन कुछ मूल विषय तो आज सदन ने चर्चा किया। कुछ मित्रों ने थोड़ा अत्यधिक उत्साही होके थोड़ा एक कहा जाता है न्यू एंथुजियाजम रहता है उनकी जो स्वभाव है किसी की मूल पिंड को तो सभापति जी बदला नहीं जा सकता है सदन कुछ मित्रों के मूल पिंड को इस बीच में समझ ही लिया है सदन उनको उतना ही गंभीरता से लेती है लेकिन आज अच्छी चर्चा अभी तक हुई है। मैं सदन की अभी तक चर्चा में भाग लेने वाले सभी मित्रों का हृदय से आभारी हूँ सबको मैं सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्री उसके एक सविस्तार उत्तर भी देंगे। सभापति महोदय तीन चार छोटे छोटे विषय उससे जुड़े हुए हैं क्या 2018 में जब आपने ओबीसी कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए मैंडेट देने के लिए एक संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन आपने लाया तब आपकी लैंग्वेज ऐसे क्यों रही सिलेक्ट कमिटी इंटेंट ऑफ लॉ के बारे में स्पष्ट किया था। मैं आभारी हूं सिंघवी जी का सिंघवी जी ने अपने ही प्रश्न किए अपने ही उत्तर दिए कि उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने यह कहा था उस समय में आज वो माननीय राज्यपाल बन चुके हैं कर्नाटक के थावरचंद जी उन्होंने कहा था देयर इज टू लिस्ट देयर विल बी टू लिस्ट। ये सदन में उस समय में कुछ साथियों ने प्रश्न उठाया था भी सिलेक्ट कमिटी से लेके सदन की चर्चा तक उसमें कोई एम्बिग्यूटी सरकार की ओर से कभी नहीं था ना तब था ना आज है लेकिन फिर भी एक प्रसंग सुप्रीम कोर्ट में आई जिसके बारे में शायद जब जब कभी एक अवसर आती है देश की निर्णयकर्ता कौन होगा हमारी डेमोक्रेसी में इक्वल डिवीजन ऑफ पावर है कोई किसको ना समझे कि हम ज्यादा जानते हैं और ज्यादा सोचते हैं। इस सदन सदैव प्रजातंत्र में हमें अधिकार दिया है दिस हाउस दिस डीन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम इज सुप्रीम आज हम सब मिलकर उसी की आज एक बार पुनः संकल्प करेंगे कि भारत की नीति क्या होगी गरीब कल्याण क्या होगी उसके बारे में सदन सुप्रीम है कानून बनाने में। हम इसको एक सही तरीके से कहा गया कि ये वास्तविक एक मोडिफिकेशन है इसको एक एक्सप्लेनेटरी क्लारिफिकेटरी अमेंडमेंट है इसमें कोई नया शब्दावली की आवश्यकता नहीं है अब हम उतना ही काम को आज सब मिलकर पूरा करने वाले हैं उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबने अपना अपना कुछ कुछ मुद्दा रखा है लेकिन सरकार की मूल जो नीति रही है जो मूल इंटेंशन रही है कि उसको कैसे हम लोग देखें संभालें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कौन उसके लिए जिम्मेवार है उसकी बैकग्राउंड क्या है सभापति महोदय मैं 2004 से 9 लोकसभा की सदस्य था तब उन दिनों की संजोग देखिए मैं आज देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वास के कारण शिक्षा विभाग के काम देख रहा हूं तब इस देश के एक बहुत बड़े नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी शिक्षा विभाग के काम देखते थे तब हम एक युवा सांसद करके लोकसभा में थे तब आरक्षण वाला 2008-09 में ओबीसी आरक्षण जो 2090 से लागू हुई थी जो क्रियान्वयन नहीं हुआ केंद्रीय स्तर पे राज्यों ने लागू किया एक आधा राज्य सिंघवी जी ने वही ठीक कहा कि कई राज्यों ने तो 50% के ऊपर उसको ले चुके हैं कुछ हिस्टोरिकली अभी थंबी दुराई जी और शिवाजी कह रहे थे हमारी राज्य आप और मेरे राज्य भी उस पुरानी विरासत की उड़ीसा माड्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा था इसीलिए उसमें भी उसकी कुछ हमारी परंपरा हमारे राज्य में भी बना है राज्यों ने तो आरक्षण दिया ही था लेकिन केंद्रीय आरक्षण केंद्रीय सूची यद्यपि मंडल कमीशन लागू होने के बाद बना लेकिन लागू नहीं हुआ था 2007-08-09 उन दिनों में लागू हुआ लेकिन सभापति महोदय उसको सही मायने में क्रियान्वयन अगर होती सही मायने में
मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट काका कालेलकर कमीशन, अब ये कहे कई लोग उसको मैं राजनीतिक पट्टू नहीं देना चाहता हूं, सुशील जी ने हमारी ओर से इस विषय को कहा है, कालेलकर कमेटी जी ने कौन बैठाया था, 80 में रिपोर्ट आने के बाद उसको 90 तक इंतजार क्यों करना पड़ा, 2008 को क्यों इंतजार करना पड़ा, ये सारा एक इतिहास में आगे भविष्य में कोई इतिहास के विद्यार्थी रिसर्च करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है, उसमें से कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार की एक पृष्ठभूमि है सभापति महोदय, हम वे लोग हैं जिनकी समाज कैसे होनी चाहिए, समाज कैसे होनी चाहिए, समाज की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारी आज की कोई या कोई अचानक नी जर्क रिएक्शन, फलाना आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, हम ऐसे सोचने वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें एक सदियों से जो कुछ विचार इस देश में है, सबकी समान अधिकार है, इसलिए हमारी सरकार की नीति रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका, जिसकी जो अधिकार है, जिसकी जितना भागीदारी है, जिसकी जितना संख्या है, अमूमन कुछ लिगेसी इशू हमको मिले हैं, रातों रात हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उस विषय को हमको ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ काम आगे बढ़ते हैं तो हमारी इंटेंशन के ऊपर किसी को शक नहीं होनी चाहिए। हमने, मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगा, मैं जब शिक्षा विभाग में, बहुत पुरानी बात को नहीं जाऊंगा, लिगेसी इशू तो है ही, उसको ठीक कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने एक अनावश्यक हमारी अथॉरिटी पे इंक्रोच किया था, आज सब हम मिलके, उस समय में आप भी थे सदन में, बहन हमारी डॉक्टर पाटिल जो हमारी महाराष्ट्र की सदस्य है, थोड़ा कटु स्वाभाविक है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, हमारी इंटेंशन पे उनको चैलेंज, उनको संदेह आया, इंटेंशन पे कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्लियर है। जब मैं शिक्षा विभाग संभाल रहा था डीएमके की, शिवाजी, सम फ्रेंड्स फ्रॉम डीएमके केम टू सी मी, दे रेज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाई इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, शिवाजी आई एम एड्रेसिंग यू थ्रू प्रेसिडेंट, आई एम एड्रेसिंग यू, इट्स ए इश्यू ऑफ योर पार्टी, सम सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी फ्रॉम लोकसभा केम टू सी मी एंड दे रेज ए पर्टिनेंट क्वेश्चन, व्हाई इन आईआईटीज, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, व्हाई देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, इट वॉज ए न्यूज फॉर मी, आई वॉज नॉट हैंडलिंग दिस डिपार्टमेंट सिंस लॉन्ग बट समहाउ आई मिस दैट, इट्स ए न्यूज फॉर मी, व्हेन आई गेट इन टू द टॉपिक, मैंने जब उसको इंक्वायरी किया, जब उसकी जानकारी ली, इट्स ए सरप्राइज फॉर मी, टिल 1918-19 द प्रोविजन वॉज देयर विल बी रिजर्वेशन बट एट एंट्री लेवल, at one level of the assistant professor post and the desired candidate will not be available, the next year the quota will be lapsed. The 2018-19, who rectified that? Honorable Prime Minister Narendra Modi took a bold step and rectified that. There will be no lapse of quota. Aage chalke koi quota lapse nahi karega. OBC ki to reservation ke vishay hi nahi tha. Humne shuru kiya. Abhi NET ke bare mein Shivaji, you mentioned about due to court's direction, due to Honorable Chief Minister Tamil Nadu's pressure, we compelled to implement OBC reservation in central pool. Shivaji, you are a very senior member, you are a learned member. I respect your view. In a democracy, I have to concede this much. I respect your view, but this is not fact. Tamil Nadu and your party has gone to High Court in a different plate. You are asking 69% quota, not 27% quota. You have welcomed that. I am thankful to your Chief Minister. He has welcomed that. Though your party has submitted in front of Chennai High Court, we need 69% quota. But when we took decision, when Prime Minister Modi took decision, the quota will be 27% henceforth. Who prevented from 86? Please. I am not yielding you, my dear friend. I am not yielding you. Please be at this much. This is a democracy. We have to respect each other. I am respecting your Chief Minister's welcoming approach. Please listen. Sabhapati Mahoday, ye jo central pool ki practice decades old hai.
सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से राज्यों की मेडिकल कॉलेज से पूल करके सेंट्रल कोटा बनाना यह पुरानी परंपरा है, उसको अभी तक ओबीसी रिजर्वेशन देने में कौन जिम्मेवार थे? इसलिए प्लीज इन ए डेमोक्रेसी वी हैव टू क्रिटिसाइज ईच अदर बट यू हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम वेलकमिंग और अप्रिशिएटिंग द स्टैंड टेकन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु। यू मस्ट दैट मस्ट ऑफ मैग्नानिमिटी टू रियलाइज द फैक्ट वी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द लीडर पर्सन हु हैज initiated this decision, who has implemented this historic decision. We all are committed. We have to implement social justice. There are other two issues. And who implemented, my previous speaker had elaborately quoted, Jawaharlal Navodaya Vidyalaya mein, Central School mein, kisne reservation OBC ki logon ke liye implement kiya? Aap sabhi log rahe. Sadan ki sare sadasya, शरद राव जैसे वरिष्ठ सदस्य राज्य चलाए, केंद्र में प्रमुख भूमिका में रहे। अभी हमारे राम गोपाल जी नहीं है, उनकी इशारे तो दिल्ली की सरकार चलती थी। मैं आभारी हूं, मेरे भाषण को आदरणीय देवेगौड़ा साहब सुन रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री रहे। किसने मना किया था आपको सेंट्रल स्कूल में ओबीसी विद्यार्थियों को रिजर्वेशन देने के लिए? संजय भाई, आपको मना तो कोई नहीं किया था, आप तो बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, किसने क्यों नहीं मना किया? हमने इंप्लीमेंट किया, हम उसको कोई ढिंडोरा नहीं पीटते, ये सत्य है, ये फैक्ट है, उसको हमको सबको आज मिलकर स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। संजोग से मैंने प्रधानमंत्री की विश्वास से पिछले दिनों से पेट्रोलियम विभाग संभाल रहा था। आज राम गोपाल जी अभी नहीं है, राम गोपाल जी की तो एक विचित्र प्रकार की राजनीति है, डर पैदा करो राज करो, डर पैदा करो राज करो। और काहे का कौन सी यादवों को, कौन सी गुजरों को, कौन सी कुर्मियों को, मैं कुर्मी हूं, कौन सी लोगों को हमने रिजर्वेशन तोड़ देना? हम तो देने वाले लोग हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। आप जो गलती किया था उसको हम जोड़ने वाले लोग हैं। आपने क्या किया था? और आप और एक सेक्टर के साथ जुड़े हो राम गोपाल जी, प्रोफेसर साहब कैसे जुड़े हो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप जुड़े हुए हो। मैं पेट्रोलियम विभाग के कामकाज संभाल रहा था, अभी तक इस सदन को मालूम होगा जो पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलती थी या पेट्रोल पंप मिलती थी, उसमें से संवैधानिक अधिकार के नाते एससी एसटी रिजर्वेशन था, ऐसे ही अधिकार ओबीसी रिजर्वेशन के लिए भी था। आपको किसी ने मना किया था? आप तो 10 साल 4 से 14 आपकी शासन था, किसी ने चल उसको लगाने के लिए कोई आपको आपत्ति किया था? राजमणि पटेल साहब, आप तो सामाजिक न्याय के बहुत बड़े प्रवक्ता हो, और आपकी नेता लोग तो मध्य प्रदेश से आके यहां से दिल्ली की बड़े बड़े नेताओं की रिमोट चलाते थे, आप क्यों नहीं रिमोट दबा दिए? क्यों पिछड़े लोग? मैं राजमणि जी आपका सुन रहा था, मैं कुछ नहीं, अरे भाई हम एक ही राज्य से आते हैं, थोड़ा तो प्रजातंत्र में टिका टिप्पणी को सुन लो। सभापति महोदय, हमने 14 से मोदी जी के निर्णय से हमने 11,262 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए, उसमें से एससी एसटी का तो जो अधिकार है मैंने दिया, तो हमने उसको दिया ही। 2852 ओबीसी नौजवानों को रोजगारी के लिए हमने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया। ऐसे ही पेट्रोल पंप तो एक बड़ा मैं धन्यवाद हूं राम प्रोफेसर साहब आगे मेरे को निश्चित रूप में आशीर्वाद करेंगे इस तथ्य को सुनकर, वो जानते हैं, वो बताएंगे नहीं सदन में, लेकिन वो मेरे को आशीर्वाद करते रहे और भी करेंगे। हमने ओबीसी कैटेगरी में कुल मिलाकर पिछले 7 साल में हमने 28,558 पेट्रोल पंप दिए, उसमें 7,888 पेट्रोल पंप हमने ओबीसी नौजवानों को दिया। किसी ने कहा नहीं था, यही हमारी किसी ने कहा, एक तो कहने वाले लोग हैं, ये कहने वाले लोग नहीं है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा ही मेरा नेता है ये। इसलिए कोई इंटेंशन की जो विषय है मैं उसको एलाबोरेट नहीं करूंगा, इंटेंशन के बारे में कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक टिक्का टिप्पणी आप करना है, नहीं तो फिर आप छपोगे कैसे, आपके नाम चर्चा में कैसे होगा? आप जिनके मन में प्रोफेसर साहब डर पैदा कराना चाहते हो, और फिर चुनाव भी आ रहा है यूपी में, उतना तो वाजिब है, मैं आपको सम्मान करता हूं। बाकी दो विषय आपने उठाया, सबने उठाया कि 50% की कैपिंग क्या है, क्यों? सिंघवी साहब को मैं कोट करता हूं, सिंघवी साहब ने कहा
कि भाई ये तो खाली डिब्बा है, आप यहां अगर राज्यों को अधिकार हम दे भी दे, लिए तो कभी नहीं थे, देने का कहां प्रश्न आता है, लिए कभी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग किया था, उसको सदन ने आज सख्त रेक्टिफाई कर रहा है, इसलिए लेना देना का विषय अधिकार रहेगा, था और रहेगा भी। बाकी रहा 50% वाले में क्या है, मैं सभापति महोदय बिहार, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी, पुडुचेरी, ऐसे अनेक राज्यों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सबको वो भी कोट कर रहे थे, तो खुद उन्होंने भी कहा कि लगभग 80% राज्य 50% की कैपिंग को जा चुके हैं। कैसे गए, उसकी कैसे अनायास गए, क्या अनायास नहीं गए। अभी इंदिरा साहनी, अमर पटनायक जी हमारे बड़े विद्वान मित्र, उन्होंने इंदिरा साहनी की और उड़ीसा के बारे में उन्होंने कहा कि हम तो देते, और सभापति जी एक तो मैं तो कभी कभी हैरान रहता हूं, सियासत होनी चाहिए लेकिन तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। कुछ राज्यों ने 70-80% तक चले गए। अभी मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रसन्न आचार्य जी 90 दशक में जब मंडल कमीशन लागू होता था वो राज्य के बड़े प्रभावशाली मंत्री थे, कैबिनेट में थे, बिजू बाबू हमारे स्वर्गीय बिजू बाबू मुख्यमंत्री थे, शायद एक ही राज्य होगा, हम सब विद्यार्थी थे, एक ही राज्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट आया था मंडल कमीशन लागू ना किया जाए, और प्रसन्न भाई उस कैबिनेट के सदस्य थे, और उनकी पार्टी के अभी नए नए सदस्य राजनीति में नहीं थे, अधिकारी थे, बड़े उहदे में थे, जानकार व्यक्ति अमर बाबू, वो कह रहे थे कि हम तो देने के लिए तैयार है, आप हमारी हाथ बांधे हो, 50% के ऊपर कैसे जाएं, और लिस्ट कहां है। शरद राव यहां बैठे हैं, लिस्ट उन्हीं के समय में बनने की तय हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस बनी थी, लेकिन 4 से 14 के अंदर नहीं बनी, 11 में एक आई, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट, जयराम जी ग्रामीण विकास के मंत्री भी रहे, उसको हमने लागू किया। जैसे जैसे भी बना, मैं तो बड़े अभिमान के साथ कहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों की घर, हम उस लिस्ट को, उस लिस्ट में सीमा थी, उस लिस्ट में जाति वाला विषय में कई प्रकार की विसंगतियां थी, लेकिन हमने यूज किया उसको। हम ऐसे लोग नहीं है कि आपने अच्छा नहीं किया था उसको हम लागू नहीं करेंगे। मैंने पेट्रोलियम विभाग के काम संभाला, कल माननीय प्रधानमंत्री जी पुरी जी काल को मैं बधाई देता हूं, सदन की ओर से पुरी जी को बधाई देता हूं, कल उन्होंने 1 करोड़ नया LPG कनेक्शन देने की फैसला किया, उसकी पहले हमने 8 करोड़ दिया, SECC लिस्ट के आधार पे दिया, SECC लिस्ट के आधार पे दिया। इसलिए देश में कास्ट सेंसस ये ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, कास्ट सेंसस नहीं होने से नहीं होगा ऐसा नहीं है, अनेक राज्यों ने उसको आधार माना है। अभी शिवाजी और थंबीदुराई जी ने जस्टिस पार्टी की इतिहास बताते हुए माड्रास प्रोविंस की प्रेसिडेंसी की रिजर्वेशन सिस्टम को कोट कर रहे थे। सभापति महोदय, मैं पिछड़े जाति का व्यक्ति हूं, मैं आज क्रिमिलियर हूं, हमारे राव कह रहे, बंदा राव कह रहे थे कि कहां क्रिमिलियर, मैं क्रिमिलियर हूं, मैं आज OBC कहूं खुद को, मेरे पिताजी डॉक्टर है, लेकिन मेरे पिताजी से मैं सुना था बचपन में, उन्होंने BC स्कॉलरशिप से जो मंडल कमीशन में रिकमेंडेशन बाद में हुई उसके पहले वो पढ़े, जो कलेलकर कमीशन में संविधान सभा में चर्चा हुई थी उसी माड्रास प्रेसिडेंसी की परंपरा से उड़ीसा में BC स्कॉलरशिप से मेरे पिताजी डॉक्टरी पढ़े, वो BC स्कॉलरशिप मिला, डॉक्टरी पढ़े, तो मैं सभापति जी आपकी अनुमति में 2 शब्द आज कह पा रहा हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मंत्रिमंडल में हूं। लेकिन शुरुआत कहां हुई, ऐसे ही सारा विषय कालेलकर कमीशन ने कहा गया था, ऐसे ही सारा विषय मंडल कमीशन ने कहा गया था। इसीलिए सभापति जी ये गैर जिम्मेवाराना होगा यह कहना, सभापति मैं समाप्त करता हूं, कि हमारे वहां लिस्ट नहीं है, उड़ीसा में आज भी लिस्ट है। आपको कौन मना किया था सुप्रीम कोर्ट आने में 2014 में, आपको एक दिखाना था, 52% लोग उड़ीसा में पिछड़े जाति के हैं, आपकी मन में क्या है भगवान को, प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को मालूम होगा, आप सांकेतिक रूप में चले गए हाईकोर्ट में, कुछ लोगों को भेज दिए, तो आपकी के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य कहते हैं,
राजा स्वयं जैसे जे लोग कहते हैं कि भाई लोग निर्णय किए 27% रिजर्वेशन देने के लिए उड़ीसा में, फिर पीछे से किसी को भेज दिया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। किसी ने मना किया था आपको सुप्रीम कोर्ट आने के लिए? भारत अच्छा ठीक है, मैं अगर गलत हूं तो मेरे तथ्य को निकाल देंगे सभापति जी, अगर मेरे सभापति जी मेरे तथ्य गलत होगा तो एक्सपंज किया जा सकता है गलत होगा तो। लेकिन सभापति जी अभी सुशील जी उसकी ब्यौरा दे रहे थे, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, हमने स्पेशल लीव पिटीशन फिर डाला 8 दिन के अंदर। आप 14 से हाईकोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद, स्ट्राइक डाउन होने के बाद आज 2021 माने पर आपको आश्चर्य होगा, सदन को आश्चर्य होगा, उड़ीसा एकमात्र राज्य होगा जहां एक स्टेट लिस्ट है। ऐसा नहीं कि स्टेट लिस्ट नहीं है, सारे राज्यों में स्टेट लिस्ट है, मेरे राज्यों में स्टेट लिस्ट है। उस स्टेट लिस्ट के आधार पे आपको एक ही राज्य शायद उड़ीसा होगा शायद, जहां पिछड़े जाति के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। यह भी है, चलो प्रजातंत्र है, जब समझ में आएगा तब आप देंगे, गुहार करने के अलावा तो कुछ जगह नहीं है। इसीलिए जो कोटा और इंदिरा साहनी ने क्या कहा, इंदिरा साहनी वेंकटचलिया की जो 9 सदस्य कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कभी मना नहीं किया, एक विशेष परिस्थिति में राज्य अपना अधिकार जाहिर कर सकते हैं, राज्यों ने किया। इसलिए यह भ्रम फैलाना, केंद्र की कोर्ट में बल फेंक देना कि 50% के ऊपर आप हमारी आपके कारण नहीं जा पा रहे या लिस्ट नहीं है इसीलिए हम कर नहीं पा रहे, दोनों तथ्य के आधार पर नहीं है। सभापति महोदय, मैं सबको आज एक बौद्धिक चर्चा हुई, सबने मिलकर कुछ एक देश की वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, विशेष करके सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आज सदन एकमत है। मैं फिर आप सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, हम संकल्पबद्ध है। सभापति जी मैं एक ही थोड़ा शायरी तो कह दूं आज, आज आपकी अनुमति से, हमारी सरकार की फिलोसफी मैंने बताया लेकिन मैं इरादा भी बताता हूं। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। धन्यवाद सभापति। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। माननीय श्री अब्दुल वाहब जी। आपण शुणुथिले पछुआ वर्गंकु नै जो भाव राज्यसभा वर्तमान आलोचना जारी रही, सेठी शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रतिक्रिया रखुथिले एसबु ओबीसी संरक्षण को नै, एवं ओडिशा कथा से जहाँ कहते एकमात्र राज्य जोटी की पछुआ वर्गों लगे कौन संरक्षण ना, एवं खासकर जी आम देखा पछुआ वर्गों कथा कह ताले 52% लोक होती ओडिशा पछुआ वर्गर, एवं से मंडल कमिशन कथा उठे 2014 पर 2021 कि पर्यटन कहीं सुप्रीमकोर्ट को आसीना सरकार हाईकोर्ट में कहीं रही जाए कथा तमाम विषय आलोचना करते एने आलोचना करने आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू रहीचंद साहू। आपुले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जहाँ कहते कि ओबीसी कथा जो आम आलोचना करे जो संशोधन बिल वर्तमान लोकसभा तो पारित हो जाए राज्यसभा आलोचना चली जदि राज्यसभा भी पारित हुए तो यहाँ आईन में परिणत हो, कि ओडिशा कथा जी कैटेगोरिकली देखा ओडिशा एकमात्र राज्य जहाँ केन्द्र शिक्षामंत्री कहते जोटी की पछुआ वर्गों पर संरक्षण ना, कि ओडिशा 52% होती पछुआ वर्गर तो मैंने साहू जदि आम वर्तमान सिचुएशन आम देखा जदि यहाँ आईन में परिणत हुए तो कौन कौन फायदा मिले ओडिशा को एवं खास करी पछुआ वर्ग को? संशोधन कर पछुआ वर्ग संरक्षण अच्छी किंतु वर्तमान जो संरक्षण अच्छी से आपंकर 11% पाखापाखि आपंकर रही जोटा का नर्माली 27% रहा कथा जो कथा मंत्री उल्लेख करते ओडिशा हम प्रथम राज्य जो आपंकर मंडल कमिशन आधार में ये आपको 27% पाखापाखि आपंकर रिजर्वेशन दि जाऊला कि 2014 मसीह जने व्यक्ति ताकु चैलेंज कले ओडिशा हाई कोर्ट रे जे ओडिशा रे समग्र भाव रे जेतिके आपनकर लागू होची संरक्षण लागू होची इट इज एक्सीडिंग 50% अर्थात 50% रो अधिक हेई जाउची। आपन जो प्रधानमंत्री उल्लेख करथिले जे इंदिरा सानी केसरे जोटा को सुप्रीम कोर्ट कहथिले जे प्रत्येक 50% एक्सीड करिवो नाही ओडिशा रे एटा एक्सीड करूची बिदे जने व्यक्ति जन ब्राह्मण लोक से ओडिशा हाईकोर्ट से चैलेंज करते ओडिशा हाईकोर्ट से कथा कहते
ଯେ 50% ଏକ୍ସିଡିଂ ଆପଣ କରିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାମୀ କେସ୍ର ଗୋଟାଏ କଥା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସେସ୍ ଦିସ୍ 50% ଯୋଉ ଅଛି କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସେସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ସେ ନିହାତି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ, ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବସବାସ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ଇନ୍ ଆକ୍ସେସିବଲ ପକେଟ୍ରେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 50% କୋଟା ଏକ୍ସିଡ୍ କରିଦିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତ ସବୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ରହିଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି 70-80% ବି ସଂରକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ। ନାଇଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନା 50% ଏକ୍ସିଡ୍ କରିବନି, ସେଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଯୋଉ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରି କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ କଥା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ ଇଙ୍ଗିତରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ଡିସିସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ସ୍ୱାମୀ କେସ୍ରେ ଯୋଉ କହିଛି 50% ଅଧିକ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇ ବୋଲି ସେଇ କଥାଟାକୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣ 50% ବିୟଣ୍ଡ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ 2014 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ପଚାରିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ସାଂସଦ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ 27% ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଉଠୁ ରୋକ ଆସିଲା, ସେ ରୋକକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଓବିସି ଲୋକ ପଚାରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଏଠି ଓବିସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଗଲତ ବୋଲି ଏକଥା ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ କାମ କରିବା କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ସେ କାମ ନ କରିକିରି ଆଜି ସେ କାମ ହଉ ବୋଲି ସେ କାମ ସିଏ କରିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତ ସାହୁ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ କଥାଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା କହୁଛେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଯୋଉ ଯଦି ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ବଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛି? ଆଉ ଯଦି ବି ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ସାଂସଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଭଳି କାହିଁକି ଆସୁଛି? ନିଜ ଦୋଷକୁ କାହିଁକି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶରେ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାବିଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା ଦୃଢ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ 52% ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ରଖିବି, 52% ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 11.5% ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ SC ST ରହିଛନ୍ତି ମାନେ SC ପପୁଲେସନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, SC ST OBC 22 SC ପାଉଛନ୍ତି 22.5%, ST ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 16.25% ଏବଂ 11.25% ରିଜର୍ଭେସନ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର OBC ପାଉଛନ୍ତି। SC ଆପଣଙ୍କ ପପୁଲେସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ST ପପୁଲେସନ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର 22.85%, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 16.25% ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର SC ପପୁଲେସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି 17.13%, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି 22% ରିଜର୍ଭେସନ, ଫରାଜ 52% ଲୋକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି OBC ସେମାନେ 11% ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର 27% ଯୋଉ ଏଇ 52% ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଯୋଉ OBC ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 27% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାକୁ, ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ତାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହେଇକି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014 ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ସିଏ ଯାଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିଧା କେସ୍ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗୁ ହଉଛି
संरक्षण से सर्वमोट जो रही कैप रही 50% को सेटा एक्सीड कर जाउची एक कथा कहले जो कथा धर्मेन्द्र प्रधान गोटाए कथा से सुनी आप कहले जो लोकटी ओडिशा हाईकोर्ट जाइला से लोक राज्य सरकार द्वारा पक्ष द्वारा प्रेरित इंगित जोटा बीजेडी सांसद मैंने राजनीति कौन जमी आप कहले सुप्रीम कोर्ट जो मानते इंदिरा साहनी को कथा जो कहे सीत साहू कि जिते से केस कले सुप्रीम कोर्ट गले पीपी नरसिंह राव को समय जो मानते आर्थिक आधार जो पछुआ वर्ग को निर्णय करागला से सुप्रीम कोर्ट कहले कि संरक्षण 50% भितर सीमित रहा मत आईन में परिणत होगा जदि जमी आपशा कथा भी कहते कि जदि रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगोरी को 37% भितर अणा जाता है ये रिजर्वेशन मैंने संरक्षण 50% ऊर्ध होता तेनाली या पचर जो राजनीति कौन संपर्क में आलोचना करवा कि समय वर्तमान नजर पकेबा किसी प्रमुख खबर उपरे प्रदीप पाणिग्राही मामलें वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य बड़ खुलासा कोर्ट को अर्डर हो जालियाती निजे पद छाड़ कथा लोकायुक्त सीबीआई किंबा क्राइमब्रांच तदंत दाबी उठाइले राज्यसभा भावुक हेले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विरोध करने आलरे गृहर मर्यादा न रखा दुर्भाग्यपूर्ण मंगलवार विरोधी व्यवहार जो सारा राति सोई पार नथिबा कहले राज्यसभा अध्यक्ष चारि ओडिया ओलंपियन हॉकी खेलाड़ी को आर्थिक पुरस्कार प्रदान कले मुख्यमंत्री वीरेन्द्र लाक्रा अमित रोहिदास को 2,50,00,000 सहित डीएसपी पदरे नियुक्ति दिग्रेश एक्का और नमिता टप्पों को 50,00,000 टंका पुरस्कार राशि प्रदान कले राज्य सरकार आसंता काल ठारु मैट्रिक खाता देखा सेपटे एथर दुईट टर्म रहिबो शिक्षा वर्ष जुलाई नवेम्बर प्रथम और डिसेंबर एप्रिल जाए द्वितीय टर्म महामारी बढ़िले घरे परीक्षा देबे छात्र छात्री संबलपुर बहुचर्चित जयश्री हत्याकांड घटना कोर्ट को निर्देश को पालन करनी पुलिस 15 दिन पर भी हो पारनी रिपोर्ट दाखल जुलाई 8 झील विजयिनी मामलें अहेतुक विलंब नहीं करते पिटिशन दायर जगा दर्शन लगे नुआ एसओपी परिचय पत्र देखा श्रीमंदिर जीवे पूरीवासी 12 और 13 तारीख सेवायत परिवार और 16 रु 20 पूरीवासी करेंगे महाप्रभु दर्शन सकाल 7 रु राति 7 जाए दर्शन व्यवस्था 23 रु सर्वसाधारण दर्शन बालेश्वर महानगर ब्लॉक रे खुलमखोला पीसी कारबार टंका मागुथवार वीडियो भाइराल 2% पीसी को हक कहते पीओ कहते लोक निजे दियंती टंका आणवाक पड़े विजिलेंस जेल में कोटिपति पंचायत निर्वाही अधिकारी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग केरजोली पंचायतर पीओ संतोष साहू को घरे चढ़ाऊ बासभवन समेत एककालीन 5 स्थान में रेड तेरे आम आलोचना जारी रही पछुआ वर्ग को न्याय संपर्कित आलोचना जारी रहा कि समय एक छोट ब्रेक र आम आलोचना करे पछुआ वर्ग को न्याय अर्थात तो जो संविधान संशोधन बिल ओबीसी को लेकिन ओबीसी कैटेगोरी को नहीं से संपर्क में आलोचना जारी रही है रही वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू रही तो साहू पुणि आपको स्वागत ब्रेक पर तो साहू प्रथम कथा हूँ कि वर्तमान जो बिल रे परिवर्तन करागला माने जो संविधान संशोधन बिल आम जो अणाला ए परिवर्तन आवश्यकता कौन थी एवं जदि ये आईन में परिणत हुए तो आर प्रभाव केमी रासकर देखा जो अनेक विरोधी दल एवं भी रही जो मैंने कि जो 50% भितर सीमित ओबीसी संरक्षण कथा कह ताकू भी विरोध करुंट कि ये लिमिटेशन को हटा जाओ तो मोट पर देखा ये आईन में जो पर अणाजार आवश्यकता कौन पड़ा ए जो आपणकर ए आईन जो परिवर्तन एथरे आपणकर संरक्षण जोटा बर्तमान जो कैप रही 50% से 50% रहिबो किंतु कथा कि होची माने अनेक राज्य बर्तमान तांकर जो निजस्व लिस्ट एससीबीसी लिस्ट आपणकर तयार करि पारु नथले सोशियो कनेक्ट डाक्टर क्लास लिस्ट तयार करि पारु नथले कारण संविधान जो 102 तम संशोधन हेतला सेथरे राज्य मानकर पूर्वर जो क्षमता थिला निजे निज राज्यर
मान आपर सामाजिक आर्थिक शिक्षागत क्षेत्र जो पछुआ अच्छा लिस्ट करमता था एक प्रकार अपहृत हो जाता गोटे प्रकार सरी जाता तो बर्तमान ये जो 127वां संविधान संशोधन बिल आसला द्वारा से राज्य मान पूर्व क्षमता पुनः पुणी पुनर्स्थापित होने फेरी पाई कि कथा रही आम राज्य कथा आलोचना करवा सहित किसी आप संपर्क नहीं राज्य तार क्षमता मानते जो राज्य पूर्व जो क्षमता था सोशियो इकोनोमिकल इकोनोमिक बैकग्राउंड लोक मानते तालिका तैयारी से तालिका पूर्व उन्नीस नबे मसीहा पर राज्य सरकार तैयारी करते बर्तमान आपटा जो 102वां संविधान संशोधन होता है से क्षमता हटि जाता बर्तमान से क्षमता पुणी रिस्टोर है कथि पड़ी जे आपणकर ओडिशा जो ओबीसी रोचा से को जो संरक्षण दि जा कथा 27% संरक्षण दि जा कथा से पाते कि 2014 मसीहा ठारा बंद हो जाए बंद हो जाए बंद हो जाए जेहेतु जन लोक सीए सुप्रीम सीए ओडिशा हाइकोर्ट को गले ओडिशा हाइकोर्ट को जाए पिटीशन कले जे ओडिशा जो संरक्षण दि जाऊँ से संरक्षण 50 सब जाक मोटामोटी मिसेदे आपंकर सिडिल कास्ट सिडिल ट्राइब एवं ओबीसी अनुजाई मिसेदे ये 50% रु अधिक हो जाऊँ कौन से परिस्थिति से ओडिशा हाइकोर्ट में सबमिशन रखिले तथ्य रखिले कौन से आपंकर इंदिरा सवानी केस से गोटे तथ्य रखिकी कह सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कौन सी परिस्थिति में आपंकर राज्य मान 50% रु अधिक आपंकर संरक्षण दे पारे ना तो सबमिशन वकिल जहाँ तथ्य रखिले से हिसाब से ओडिशा हाइकोर्ट कहले आम कौन सी राज्य अधिक 50% अधिक संरक्षण दे हम ना तद्वारा कौन है पूर्वर आम ओडिशा जो मैंने ओबीसी थे आप 11.25% पाते से पाइले से 27% संरक्षण पाते से कटिगला आप हिसाब करतु जदि से ओडिशा हाइकोर्ट रही जो अर्डर टाक स्पेशल लीव पिटीशन अनुसार आपणकर फाइल कर सुप्रीम कोर्ट रे किए ओडिशा सरकार जे आप ठीक अच्छी आपंट 50% रु मैंने ओडिशा हाइकोर्ट कहते हैं 50% संरक्षण अधिक हमने ठीक अच्छे कि राय देखते इंदिरा सावनी केस रे सुप्रीम कोर्ट रही था ओडिशा सरकार जे एक्सेप्शनल केस रे 50% अधिक देव जमी आप तमिलनाडु सरकार भी देखते अनेक गुड़िया राज्य देखते तथ्य भी कर तमिलनाडु सरकार और अनेक सरकार से एक्सेप्शनल केसेस रिजर्वेशन देखते 50% रु अधिक तो ये तथ्य राज्य सरकार रखा बदल आज पर्यंत चेकरी सोइथिले एवं आज पर्यंत 2020 पर्यंत एवं 2020 रे आपण देखियो सेतबेले गोटे गोटे तथ्य उपर नजर पकेबा 1993 पर्यंत केन्द्र राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल एम पछुआ वर्गों तालिका अलग अलग बनुते कि 2018 पर ही मानने केन्द्र को ही मानने सुप्रीमकोर्ट को जो अर्डर रही केन्द्र ही पछुआ वर्गों तालिका बनइब तो या भितर जो मंडल कमिशन दुआई दि जाऊँगी मैंने ओडिशा तरफ ओडिशा सांसद मैंने जहाँ कहते जमीक केन्द्र शिक्षामंत्री जो एक प्रसंग उठे से जिन जो कन्फ्यूजन रही है से विषय मैंने मैंने क्लारीटी आम आने चाहूँ ना से जाशु किसी आंबिग्युटी गोटे आप द्वंदात्मक परिस्थिति सृष्टि कराऊार विजु जनता दल सांसद मैंने कहते मंडल कमिशन रु सुपारिश को लागू कर 27% आपंकर संरक्षण ओबीसी मान को दि जाऊ तो से जाणी ना जे विजु पट्टनायक होती मुख्यमंत्री काल में विजु पट्टनायक जदिव सी जो कथा सीधा सड़क मंत्री कहते आपतल बहुत छोट थे सान थे जान नजु पट्टनायक जद विजु पट्टनायक घोर संरक्षण विरोध में थे मंडल कमिशन विरोध में थे कि सहयोगी मानते से श्रीकांत जेना हूँ रणेन्द्र प्रताप स्वाई हूँ जे बर्तमान बीजेडी अच्छा ना भी नहीं आज आप धर्मेन्द्र प्रधान ना नहीं तमें जहाँ कह तुम जन मंत्री राजा स्वाई एक राजा स्वाई कहते सी भी मन दुख कर
ଯେ ତମେ ଏପଟରେ କହୁଛ ସେପଟେ ପଛ ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ପଠେଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରୁଛ। ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଛବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ବୋଧେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋ କଥା ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରିଦେବ ତାକୁ ପ୍ରୋସିଡିଂସ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେବ। ସେଇ କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବା କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ସରକାରରେ ଯିଏ ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ ସବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜୋର ଜିଦି ଧରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ସିଏ କିଛି ତାର ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଟା ଗଠନ ହେଇଥାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି 27% ଏଠି ଲାଗୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ କଲେ ବହୁତ ଓବିସି ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଲେ। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। 2014 ମସିହାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇ ବିଜେଡି ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସିଏ ଯାଇକିରି ଏ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧରେ ଗୋଟାଏ ପିଟିସନ କଲେ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ଯେ 50% ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟି କହିଲେନି। ସେ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ କେସ୍କୁ ଯାଇକିରି ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ କେସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି 50% ଅଧିକ ରିଜର୍ଭେସନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟି କହିଲେନି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ କେସ୍ରେ ଆପଣ 50% ଯାହା ବି ହଉ ଏ ବିଲ୍ରେ ସଂଶୋଧନ ଆସିଛି ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ। ଖବର ଜାରି ରହିବ ସମୟ ଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ହୋଇଛି ଜାଲିଆତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସେ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ପୀତାମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ପଦ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କିଏ ଅର୍ଡର ଜାଲିଆତି କରିଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାଲିଆତି ଅର୍ଡର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କିଏ ଜାଲି ଅର୍ଡର କଲା, କେଉଁଠି ଟାଇପ୍ ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡର ହିଁ ନାହିଁ। ମାମଲାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଦଳରେ ଅଫିସର କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ କାଳ ଘଟିଛି। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଯେତେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସେ ସବୁଠୁ କୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ, ଇଏ କରିବେ, ଇଏ ନିଜେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଅପିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ସିଜର୍ ଟୁ ସିଜର୍। ଯିଏ ନିଜେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଜାଲିଆତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ? ସମଥିଙ୍ଗ୍ ଏ ମକରି। ଇଟ୍ସ ଏ ଟ୍ରାଭେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଇଟ୍ସ ଏ ସିନ୍ ଅଫ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍। ଇଟ୍ସ ଏ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରପ୍ରାଇଟି ଅଫ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର୍। ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବି ହଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ, ନମ୍ବର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ସିଂ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଏବଂ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଣେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆବେଦନକାରୀ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ଆଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସଂସଦ ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖିବା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହି ନିଜର କୋହୁ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିଛି ସାଂସଦ ଯେପରି ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିବା ସହିତ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫାଇଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିବା ଭଳି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେପରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅତି ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ।
I rise in deep anguish to place on record the way this august house is being subjected to sacrilege, and that too propelled by a sense of competition among some sections of the house since the commencement of this monsoon session. Everything said or done, violating, hurting or destroying this sacredness of any place amounts to an act of sacrilege. We are a land of temples, churches, mosques and gurudwaras. These are holy places with demarcated sacred areas which are known as sanctum sanctorum. The parliament, the apex legislature of our country, is regarded as the temple of democracy. The table area where the officers and supporters of the reporters of the house, the secretary general and the presiding officer are seated is considered as the holy sanctum sanctorum of the house. A certain degree of sacredness is attached to this place. In our temples, devotees are allowed only up to this sanctum sanctorum and not beyond. Entering this sanctum sanctorum of the house in itself is a... केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह को भेटले बीजेडी संसदीय टीम। अमित शाह को स्मारक पत्र देले बीजेडी संसदीय टीम। ओबीसी रे 50% स्थान संरक्षण प्रसंग रे केन्द्र गृहमंत्री सहित आलोचना करछि टीम। सेहीपरी एसीबीसी और ओबीसी चिन्हट और गणना नहीं मध्य आलोचना करथिले। नुआपड़ा खड़ीवाल ब्लॉक डुआझर स्थित अपना होटल मालिकाणी बासंती मेहर हत्या घटनार पर्दाफाश करछि पुलिस। पारिवारिक विवाद को नहीं घटीथिला हत्याकांड एथिरे तांको ज्वाई व तांको बड़ भाई सहित दुई जना शार्प शूटर शामिल रहितबा एसपी प्रत्युष दिवाकर एक सूचना दैछंती। किछि दिन तळे बासंती मेहर को हत्या करबा नै तांको ज्वाई व तांको बड़ भाई मिलित योजना करथिले। बुला अंचलरु दुई जना शार्प शूटर को सह 6 लाख टंका रे बासिनी का हत्या पई चुक्ति होइतिला। 2 लाख टंका अग्रिम दैथिले। हत्या परे बकिया 4 लाख टंका देबाकु डील होइतिला। गत जुलाई 31 तारिख रे योजना मुताबक दुई शूटर बाइक रे एक देशी बंदूक रे ढाबा सम्मुखरे मालिकाणी को गुली करी फेरार होइ जाइथिले। खड़ियाल उपस्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होइतिला। ए घटना रे 4 जन को गिरफ करथवा बेले 90,000 टंका नगद, 4 गोटी मोबाइल, 2 गोटी बाइक को पुलिस जब्त करथिला। से जिते लोक इनवल्व थे सर, से घटना को किसी दिन पूर्व से आसुले देखा टार्गेट आइडेंटिफाई करवाई ले आउट में भी आइडेंटिफाई करवाई से दिन से मैंने बाइक में आसिक टार्गेट को आइडेंटिफाई कले घटना को अंजाम देखे से सीनापल्ली एरिया कालाहां बोलगी होटल फर्दर से बोला पड़े। पश्चिम पर दक्षिण ओडिशा रे चासी आत्महत्या। जमी को पानी टपाई न मिलिबारु चासी आत्महत्या करथिबा अभियोग होइछे। केनाल मरामती सहित बिजेडी नेतांक बड़ त्रुटि सह हिड़ भांगिबा जोगु चास जमी को पानी न जिबा परे धान तळी पोड़ी नष्ट हेबा जोगु चास जमी रे ही चासी कीटनाशक पी आत्महत्या करथिबा गुरुतर अभियोग होइछे। जाहाकु नै देखा दैछि राजनैतिक ताते। ग्राउंड जीरो रे स्थिति परखिछि राज्य बीजेपी रो कृषक मोर्चा। गंजाम बोलझुळी गाँव रे गोटे केनाल जाइछि किंतु केनाल मरामती नाम रे निजर स्वार्थ दृष्टि रु केनाल मझेरे खाई सृष्टि करागला परे मरामती जोगु केनाल हिड़ भांगी गला। एसबु पछरे बिजेडी नेतांक हाथ थिबा अभियोग करछि राज्य बीजेपी। बर्षर जणे जीव मात्र गला 3 मास तले बाहा होता गोटे नुआ स्वप्न देखुला गोटे परिवार चलेबापाई जितेबले तार जमी को पाड़ी गला नहीं मनुष्यकृत पानी अभाव तैयारी कर दिगला। संतोष पिंटू नामक जे ये ओडिशार मुख्यमंत्री जे नोमिनी हिसाब से अच्छा एते से पावरफुल जे कौनसी सरकार परमिशन नहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट परमिशन नहीं मन मर्जी मुताबक से केनाल रे निजे घाई तैयारी कले एवं से वर्षा पानी केनाल पानी आसवा कारण घाई आसवा कारण जमी तले ऊपर जहाँ जमी थी पानी गला नहीं तले हजार हजार एकड़ जमी नष्ट एवं से युवक जी आशा करते भल धान चाष हे ऋण नहीं बैंक रु सुझे परिवार परिपोषण करेंगे देखिले जमीर आज चाष हेबना से विष पी दे कीटनाशक औषध पी कि आत्महत्या कले यहाँ गोटे जघन्य अपराध। एटि कृषक मोर्चा तांको परिवार सह भेटिला परे एटि भारतीय जनता पार्टी ओडिशा सरकार पाखे नवीन बाबूंकर पाखरे दाबी करूछि जे नवीन बाबूंकर प्रकृति रे आखी अछि ना नहीं। जगा दर्शन करिवा पई जारी हैला नुआ एसओपी। केवल परिचय पत्र देखाई श्रीमंदिर जिबे पुरीवासी असंता 12-13 तारिख रे केवल सेवायतंक परिवार महाप्रभुंकर दर्शन करिवे। सेपरी 16-20 तारिख जाय जगा दर्शन करिवे पुरीवासी। श्रीमंदिर सिंहद्वारते प्रवेश उत्तर द्वारते करिवे प्रस्थान। सेपरी सकाळ 7 रु राति 7टा 3टी पर्याय रेबो दर्शन व्यवस्था। दर्शन समय रे कोविड कटकणा को मानिबा बाध्यतामूलक। शनिवार और रविवार सानिटाइज पई बंद रहिबो श्रीमंदिर। असंता 23 रु सर्वसाधारणक पई दर्शन व्यवस्था हेबो।
सर्वसाधारण 96 घंटा पूर्व नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज सर्टिफिकेट देखा बाध्यतामूलक श्रीमंदिर प्रशासन। समय छि बुलेटिन को रखा, नमस्कार।